अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटा कम्युनिकेशन की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मल्टीप्लेक्सिंग पर के मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। तो मल्टीप्लेक्सिंग को समझने से पहले हमें एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, वो है बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन का। जैसा कि आप लोगों को पता है, बैंडविड्थ जो हमारे है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम या हमारे जो नेटवर्क्स हैं उसका एक क्रिटिकल परफॉर्मेंस फैक्टर है। यदि अगर हम बैंडविड्थ को बड़े अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे तो हम ये कहेंगे कि हमारे डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत एफिशिएंट है या बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है या इफेक्टिव है। और अगर हमारा जो बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन इनइफेक्टिव है, ठीक है, या अच्छी तरीके से नहीं हो रही, तो हम कह लेंगे कि हमारा डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इनएफिशिएंट है या डेटा या इनइफेक्टिव है, ठीक है। तो इससे पहले जो डेटा कम्युनिकेशन देखते रहे, ठीक है, एक लाइन होती थी या एक से ज़्यादा लाइन होती थी, उसके अंदर सिग्नल ट्रैवल कर रहे होते थे। ये तो एक अच्छे यहाँ तक तो था, लेकिन उसके अलावा एक ये तो यहाँ तक तो हम इश्यूज वो देखते आए हैं कि डेटा को ट्रैवल कैसे कराना है, लेकिन अब देखना है कि उनकी बैंडविड्थ को कैसे हम इस तरह कर लेते हैं कि कैसे हम मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके कैसे इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल ये है कि हमें एक जगह पर जाना है, ठीक है। इसके बजाय हम के बहुत सारी इस तरह कर लें कि बहुत सारी कारें ले जाएं, यानी हम इस तरह करेंगे बहुत ज़्यादा लिंक्स बना लें, ठीक है। उसका एक सोल्यूशन ये है, ठीक है। दूसरा ये है कि हम लोग इस तरह करें कि सब गाड़ियाँ ना लेके जाओ, एक बड़ी बस या एक बड़ी कोस्टर ले जाते हैं, तो उसके अंदर सारे लोग चले जाएंगे, हमें बार बार जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी हम बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ज़ाया नहीं करेंगे, पेट्रोल वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। तो सिमिलरली इस तरह होता था कि हमारी इनपुट लाइट में डेटा आके खड़ा हो जाता था, लाइट छोटी थी, ठीक है। तो उसका यह था कि हम नई लाइट लगा देते थे, भाई लाइट बारी बारी आप जाए, आपका डेटा जाए। तो ये तो एक कंसेप्ट था कि हम उस तरीके से कर लें। दूसरा उसका सोल्यूशन ये था कि हम लोग इस तरह कर लें कि एक बड़ी लाइन लगा लें दरमियान में, ठीक है, यानी जिस तरह तीन रोयर सड़कें हैं या इसके अंदर हमारी ट्रैफिक ट्रैवल करती रहे, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सिंग सेम कंसेप्ट है, जिसके अंदर हम इस तरह कर लेते हैं कि बहुत सारी लाइन्स को कंबाइन करके एक ही लाइन के ऊपर से उनको कर लेते हैं, ट्रैवल करा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो एफिशेंटली यूटिलाइज हो जाता है। तो इस तरह कर लेते हैं, एक डिफिनेशन देख लेते हैं पहले मल्टीप्लेक्सिंग की, तो उसके बाद हम इसको कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग इज कम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल सिग्नल्स इनटू लिंक विच हैज हायर बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट्स दैट इज सिमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल अक्रॉस अ सिंगल नेटवर्क। बहुत सारे हमारे इनपुट लाइंस पर आप देख सकते हैं बहुत सारे सिग्नल हैं, ठीक है, ये सिग्नल्स हैं। अब इनको वन बाई वन गुजारना मुनासिब है या इन सबको इकट्ठा गुजारना मुनासिब है, ठीक है। तो पहले जो अब देखते आए हैं उसके अंदर हमारे जो लिंक थे उनकी कम्युनिकेशन जो बैंडविड्थ थी या जो बैंडविड्थ कैपेसिटी थी वो बहुत कम थी, लेकिन इसमें हमारे पास बैंडविड्थ कैपेसिटी देखें बहुत ज़्यादा है, यानी इस तरह की बहुत सारी लाइन इसके अंदर से गुजर सकती हैं। तो मल्टीप्लेक्सिंग में हम क्या करते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सिंग में हम इस तरह करते हैं कि इन तमाम इंडिविजुअल सिग्नल्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है। इनको कंबाइन करके यानी मल्टीप्लेक्सिंग में सिर्फ एक सिग्नल एक हम लिंक की फॉर्म में लेकर आते हैं, ठीक है। तो जो हमारे सिग्नल्स हैं लोअर बैंडविड्थ के वो सारे एक जगह कंबाइन हो जाते हैं, एक लिंक में कंबाइन करते हैं, ठीक है। उस लिंक को फिर हम फर्दर जो हायर बैंडविड्थ वाला लिंक है उसके ऊपर ट्रांसमिट कराते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो मल्टीपल ट्रांसमिशन सिग्नल्स हैं वो एक सिंगल डेटा लिंक के ऊपर ट्रांसमिट होते हैं, यानी मल्टीप्लेक्सिंग का सेम कंसेप्ट है जिस तरह हम एक बस के ऊपर बहुत सारे लोगों को लेके जाते हैं। तो ये सेम कंसेप्ट है हमारा बैंडविड्थ जो मल्टीप्लेक्सिंग का। इसके अंदर हमारे जो सेंडर होता है वो उसके एंड पर जो सिग्नल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं, उनको मल्टीप्लेक्स किया जाता है, ठीक है, MUX जिसको कहा है मल्टीप्लेक्सर के थ्रू मल्टीप्लेक्स किया जाता है एक सिंगल लिंक के अंदर। और जब रिसीवर के पास पहुँचते हैं तो एक सिंगल लिंक यानी एक डेटा लिंक पहुँचता है, तो वो इस तरह कर लेता है, उनको डीमल्टीप्लेक्स कर लेता है, यानी उनको अलग अलग सेपरेट कर लेता है, तो सेकंड साइड पर सेपरेट मिल जाता है। तो इसके अंदर हमारा एक लिंक यूटिलाइज होता है और वो भी एफिशिएंटली यूटिलाइज होते हैं, यानी जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके तकरीबन बराबर या ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूटिलाइज हो जाता है। यानी इस तरह नहीं होता बार बार डेटा नहीं सेंड करना होता, बल्कि उनको कंबाइन करके हम डेटा को भेज देते हैं। तो ये हमारा मल्टीप्लेक्सिंग में हम बहुत सारे जो लो बैंडविड्थ डेटा होता है उसको कंबाइन करके भिजवा देते हैं, ठीक है। तो
जो हमारी मल्टीप्लेक्सिंग है एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम मल्टीपल सिग्नल जिनकी लोअर बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट्स है उनको सिंगल डेटा लिंक्स पर कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही हम इस तरह कर लेते हैं, उन सबको इकट्ठा एक ही लिंक के ऊपर ट्रांसमिट कर देते हैं। तो इस तरह ये इसका एक तो फ़ायदा ये हो गया कि हमारी बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन होगी, दूसरा ये हो गया कि हमें एक सिग्नल की ट्रांसमिशन कंप्लीट होने का वेट नहीं करना पड़ता, बल्कि ये हमारे सिग्नल एक जगह पैक बनकर पार्सल बनकर इकट्ठे जाते हैं, यानी इनकी एक पार्सल जाता है इनको जब एक जगह पर इकट्ठे यानी रिसीवर के पास पहुंच जाते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि इनकी ट्रांसमिशन भी सिमल्टेनियस होती है सेम मीडियम के ऊपर। तो इस तरीके से हम अपने जो बैंडविड्थ है उसको एफिशिएंटली यूज़ कर लेते हैं। तो मल्टीप्लेक्सर होता क्या है, मल्टीप्लेक्सर यूजली मैनी टू वन डिवाइस होती है जो कि बहुत सारे सिग्नल्स को एक सिंगल स्ट्रीम पर कंबाइन करती है, जो कि सेंटर पर होती है, जो कि एक सिग्नल के ऊपर एक लिंक के ऊपर इन सबको कंबाइन करके फेंकती है। उसके अलावा हमारे पास होता है डी मल्टीप्लेक्सर, वो इस तरह कर लेता है कि वन टू मैनी डिवाइस होता है, यानी वो एक लिंक जो आ रहा होता है बड़ा लिंक उसको इस तरह कर लेता है बहुत सारे सिग्नल्स पर छोटे लो बैंडविड्थ सिग्नल्स पर रिसीवर एंड पर उनको कर लेता है, सेपरेट कर देता है। तो मल्टीप्लेक्सिंग की तीन टेक्निक्स हैं, उनको वन बाय वन कवर कर लेते हैं। पहली है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग FDM जिसको कहा जाता है, दूसरी है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जिसको WDM कहा जाता है, और तीसरी है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जिसको TDM कहा जाता है। तो FDM में हमारी जो हमारी होती हैं फ्रीक्वेंसी रेंजेस वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। ये मूवमेंट हमारी जो ट्रेडिशनल रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग है उसके अंदर यूज़ होती है, जो वेवलेंथ है उसके अंदर हमारी डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं जिनको लाइट शेप ऑफ लाइट में होती हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के अंदर उनको ट्रांसमिट किया जाता है। और उसके बाद जो तीसरी है वो है TDM, ठीक है। तो ये इस तरह कर लेती है कि टाइम का सिक्वेंशियल टाइम स्लॉट्स की मदद से डेटा को ट्रांसमिट करती है, यानी हमारे जो डेटा है उनको स्लॉट्स में करके भेजती है। यह मूवमेंट हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने देखा है मल्टीप्लेक्सिंग, तो ये मल्टीप्लेक्सिंग हमारी जो है बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन की बैकबोन है, ठीक है। यानी ये हमारी जो बैंडविड्थ है उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज कराती है। तो इसका मेन जो मकसद होता है वो ये होता है कि हमारा जो प्रेशियस रिसोर्सेज हैं बैंडविड्थ वाले वो ज़्यादा हो, चाहे ये हमारी मल्टीप्लेक्सिंग FDM में हो रही हो, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में, WDM यानी वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हो रही हो, या TDM यानी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हो रही हो, ठीक है। तो ये तमाम टेक्निक्स इस तरह करती हैं कि एक जो मॉडर्न डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके अंदर एक वाइटल रोल या एक क्रूशल रोल प्ले करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्स्ट टाइप यानी FDM पर बात करेंगे, और उसके अंदर हम देखेंगे उसकी कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी देखेंगे कि ये किस तरह से यूटिलाइज हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।